जुड्डो संघ जिला मंडी की कार्यकारिणी का चुनाव मुनीश रिसोर्ट ब्यूली में हिमाचल प्रदेश राज्य जुड्डो संघ से आए पर्यवेक्षक डीएस चंदेल और मंडी जिला खेल विभाग से आए पर्यवेक्षक विक्रम सिंह बिस्ट की देखरेख में कार्यकारिणी के चुनाव संजय कुमार सुरहले की अध्यक्षता में संपन्न हुए, जिसमें नई कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। जुड्डो संघ जिला मंडी के कार्यकारिणी का चुनाव मुनीश रिसोर्ट ब्यूली में हिमाचल प्रदेश राज्य जुड्डो संघ से आए पर्यवेक्षक डीएस चंदेल और मंडी जिला खेल विभाग से आए पर्यवेक्षक विक्रम सिंह वशिष्ठ की देखरेख में कार्यकारिणी के चुनाव संजय कुमार सुरहले की अध्यक्षता में संपन्न हुए, जिसमें नई कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। नई कार्यकारिणी में अंकुश सूद अध्यक्ष, संजय सुरहले चेयरमैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रिजलाल चौहान, राकेश कुमार और देवेंद्र कुमार आजाद उपाध्यक्ष, जोगिंदर सिंह आजाद महासचिव, नरेंद्र कुमार और जय कुमार को संयुक्त सचिव, संतोष कुमार को कोषाध्यक्ष, जय कुमार भारद्वाज प्रेस सचिव, एडवोकेट भीम सिंह ठाकुर को कानूनी सलाहकार। कार्यकारिणी सदस्यों में राम सिंह, अमित चंद, देवेंद्र वशिष्ठ, खूब राम, देवेक अवस्थी, पूर्ण चंद को चुना गया। जुड्डो संघ जिला मंडी के नव चयनित अध्यक्ष अंकुश सूद ने हिमाचल प्रदेश राज्य जुड्डो संघ के पर्यवेक्षक डीएस चंदेल और जिला मंडी खेल विभाग के पर्यवेक्षक विक्रम सिंह वशिष्ठ का जुड्डो संघ जिला मंडी के कार्यकारिणी के चुनाव सफल तरीके से करवाने का उनका धन्यवाद किया और नव चयनित जुड्डो संघ जिला मंडी की कार्यकारिणी के सदस्यों व पदाधिकारियों को बधाई दी व उन्हें सर्वसहमति से अध्यक्ष चुनने के लिए धन्यवाद किया। आज हमारे जिला जुड्डो संघ मंडी के जो है चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें नई कार्यकारिणी आज बनी है। 2012 से जिला जुड्डो संघ जो है मंडी में काम कर रहा है और हमने लगभग हर ब्लॉक में जो है क्लब स्थापित किए हैं। जहाँ एक दो जगह जहाँ रह गए हैं वहाँ भी इस साल क्लब्स जो है वो बना दिए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है हमारा प्रयास रहेगा कि इस खेल से जोड़े। एक ओलंपिक खेल है और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जो है इसमें बच्चे जा सकते हैं, जिसका बेनिफिट उन्हें पूरे लाइफ में मिल सकता है। अभी कुछ स्कूल हैं जिनमें हमारे जुडो से जो पुराने जुड़े हुए ट्रेनर्स हैं वो काम कर रहे हैं। अगले आने वाले समय में हमारा प्रयास होगा कि हम हर स्कूल तक पहुँचें, चाहे वो निजी है, सरकारी है, और सरकार से भी इस पर रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे शामिल करके जो है स्कूलों में भी इसे शुरू करें। जो एक खेल है 1990 से हिमाचल में चल रहा है, लेकिन और इसे बाद में स्कूल गेम्स में भी शामिल कर लिया गया है, लेकिन एक दुख की बात है कि अभी तक मात्र 8 से 10 ही पीटीआई कोचेज हैं जिन्हें जूडो आता है और वो बच्चों को सिखा रहे हैं। हमारा एक प्रयास रहेगा कि कम से कम अपने जिले में एक और पीटीआई को अपने साथ जोड़ के स्कूल गेम्स में बच्चों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़ें, ताकि बच्चे उसका बेनिफिट ले सकें। और ये एक ओलंपिक गेम है, जो बच्चे इसमें जुड़ते हैं उन्हें स्पोर्ट्स कोटे में भी फायदा मिलता है। पिछले 20 सालों से जब से ये हिमाचल में है, लगभग 200 के करीब हमारे खिलाड़ी हैं जो स्पोर्ट्स कोटे पे गवर्नमेंट जॉब्स में पहुंच पाए हैं। तो मेरा सभी पेरेंट्स से भी एक आह्वान रहेगा कि इस गेम के साथ जुड़ें, बच्चों को अपने मोटिवेट करें। सेल्फ डिफेंस की एक गेम है, ओलंपिक गेम है, बच्चा आपका नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ें और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि सरकार के साथ बात करके भी और पीटीआई को मैक्सिमम को ट्रेन